कल्याणपुर बिहार से आया हूँ। बर्नेट होम्योपैथी कंपनी का निर्माण मेरे द्वारा किया गया है, जिसका संचालन मेरा पुत्र डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे के द्वारा होता है। मैं भी एक होम्योपैथ चिकित्सक हूँ। मुझे शुरू से, मैं लगभग 40 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन पिछड़ते हुए होम्योपैथ कर देखकर मुझे आह होती थी और मैं बहुत लगन से होम्योपैथी दवा के द्वारा एलोपैथ से या दूसरे चिकित्सा से आए हुए थके हुए लूटे हुए खचोटे हुए का इलाज जब करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे जैसा होम्योपैथ चिकित्सक देश को हजारों की जरूरत है। इसलिए कि हमारे यहाँ प्रायः रोगी बिना दवा का, गलत दवा से, दवा के डॉक्टरों से मरते जा रहे हैं। ऐसे आज के परिवेश में लोग अपने कार्य प्रणाली से, रहन सहन से ज्यादातर रोगी बनते जा रहे हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश देवों की भूमि रही है। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है मुझे कि इस लखनऊ में होम्योपैथी का कुंभ मेला है। सारे देश के डॉक्टर इस देवभूमि पर आकर के, और डॉक्टर नीतीश को आज यहाँ पर लखनऊ के डॉक्टर लोग चांदी का मुकुट चढ़ाए। तो मुझे आज आ गया वह दिन जिस दिन होम्योपैथ का आगमन अपने देश में हुआ था। डॉक्टर रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब केसरी, जब मरणासन पर झूलने लगे, कराहने लगे और सभी डॉक्टर उनको बता दिया कि अब ये नहीं बचेंगे, तो जर्मनी से महात्मा हैनीमैन ने होमी गड़बड़ को, महात्मा ये राजा रंजीत सिंह को इलाज के लिए भेजा। राजा रंजीत सिंह के पूरे शरीर में सूजन भरा हुआ था, करा रहे थे। होम्योपैथी की दर्द मारा दवा से उन्होंने जाओ महाराजा रंजीत सिंह को ठीक किया, तो आश्चर्यचकित रह गए कि यह कौन सा पैथी है जो ये मात्र चार बूंद से मुझे निरोग कर दिया। तो इन्होंने ये महाराजा का कलकत्ता में एक विशाल घर है जो आज भी होम्योपैथी इसको कॉलेज के नाम से प्रचलित थे, उन्होंने खुश होकर उस कॉलेज को, वो अपने भवन को दान कर दिया और होमी गर्वा साहब को चांदी का मुकुट पहनाया और बोला कि आज से आप यहाँ इस कॉलेज में हमारे देश के विद्यार्थी को होम्योपैथी चिकित्सा पढ़ाइए। ऐसे होम्योपैथी के जन्मदाता, होम्योपैथी के जनक महात्मा हैनीमैन को माना जाता है। लेकिन महात्मा हैनीमैन लगभग 250 वर्ष पहले ही इसको प्रतिपादित किया, लेकिन अपने वेद में, अपने संत महात्मा के वेदों में हजारों वर्षों से इस विषय से विषधाम का चर्चा होते आ रहा है और विष के द्वारा विष का इलाज आयुर्वेद में पहले से भी होते रहा है। वही तो होम्योपैथी है, समान चिकित्सा, सम समय समय की, सम से सम का इलाज, यानी कांटे से कांटे का इलाज, विष से विष का इलाज, समान पैथी है ये। इसलिए आज यह मुकुट देखकर यहाँ और मेरा मिजाज, मेरा मनोबल और बना कि नहीं, अपने देश में सचमुच होम्योपैथ का, आध्यात्मिक होम्योपैथी देश का है, जर्मनी का विज्ञान है और अपने भारत का अध्यात्म है। क्या मैसेज है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यह पठति लिखति पश्यति परिकृष्यति पंडितानि उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दल एव विस्तारितः पृथ्वी। तो आज जिस तरह से बर्नेट होम्योपैथी ने होम्योपैथी के क्षेत्र में जो क्रांति लाई है, ये दिखाता है कि ये उक्ति सचमुच में बर्नेट होम्योपैथी और बर्नेट होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं, हमारे बाबूजी जो साथ में बैठे हैं और उनके सुपुत्र डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे जी, इनके द्वारा जिस तरह से होम्योपैथी में क्रांति लाई जा रही है, और सचमुच में ऐसा लगता है कि एक न एक दिन भारतीय होम्योपैथी का जो परचम है ना, वो पूरे दुनिया में लहराएगा। निश्चित रूप से जर्मनी में होम्योपैथी का आगाज हुआ, लेकिन जिस तरह से आज भारत के अंदर होम्योपैथी के प्रति लोगों की धारणा, विचारधारा, आज देखिए जब भी
व्यक्ति चारों तरह से थक हार करके और आता है तो एक बार उसके मन में ये भाव आता है कि यार चलो होम्योपैथी कर लो। और सचमुच में देखिए अपना भी मैं बताऊं कि 25 साल का मेरा चिकित्सा का अनुभव है कि ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं कि जिसका कि खुद ही लगता है कि वाकई मैं भाग्य नहीं सौभाग्य है कि होम्योपैथी के द्वारा लोगों की सेवा किया जा रहा। और सचमुच में आज का जो कार्यक्रम है इस लखनऊ के सरजमी पे जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ है, इसमें लगभग 500 देश और विदेश के प्रख्यात चिकित्सकों को अलग अलग सम्मानों से होम्योपैथी विभूषण सम्मान, होम्योपैथी रत्न सम्मान, युवा रत्न सम्मान और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये निश्चित रूप से होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्साहवर्धन के लिए बहुत ही जो है एक अनूठा कदम है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि होम्योपैथी, जैसा कि मैं थोड़ा सा कवि हृदय भी हूँ, थोड़ा सा कविताएँ भी लिखता हूँ, तो कहा जाता है ना कि होम्योपैथी देखिए समझने के लिए मेरी चार लाइन सफिशियंट है कि सिमिलिया सिमिली बस क्यूरांटर के भाव से दूर ही कर देती कारण को प्यारे उलझे हुए हैं सभी बीमारियों में, यूं उलझे हुए हैं सभी बीमारियों में हम तो बीमार ही रहने न देते। तो ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि बीमार ही रहने नहीं रहने देती है, यानी वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। तो निश्चित रूप से आज का ये जो कार्यक्रम है ये होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत ही अनूठा है और मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे साथ बर्नेट होम्योपैथी के पितामह डॉक्टर दिनेश चंद दुबे जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरा परम सौभाग्य कि इनका आशीर्वाद भी मिल रहा है। मैं सचमुच में आज धन्य हो गया। मैं बाबू जी को परसों फोन किया कि बाबू जी आपको आना है, तो बाबू जी कहे कि भाई ठीक है बाबू, जब तुम्हारी इच्छा है तो मैं आऊँगा। तो निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम देशवासियों के लिए, दुनिया वालों के लिए एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। मैं ऐसे कार्यक्रम को हृदय से अपने पूरे कल्याणम परिवार की तरफ से बधाई शुभकामना एवं मंगल कामना देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर SB तिवारी और मुझे कल्याण जी के नाम से भी जाना जाता है और मैंने होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज कराया है और अभी तक 23,000 पत्री निकाल करके उसका डाटा भी रखा हूँ और टेस्टिमोनियल बेस काम करने वाला शायद मैं पहला डॉक्टर हूँ जो होम्योपैथी के क्षेत्र में लोगों को ठीक करके और उसका डाटा रखा है। और इस तरह से सारी चीज़ हमारी कल्याणम पत्रिका में प्रति साल प्रकाशित भी होती है जो निश्चित रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद।